हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश मानव पे स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको जानने की बहुत लोगों की इच्छा होती है। वो जरूर एक ना एक बार ये जरूर जानना चाहते हैं कि जर्नी मेडिसिन यानी लोकल दवाएं और पेटेंट मेडिसिन यानी ओरिजिनल दवाएं क्या होती हैं, क्या कारण है कि जर्नी मेडिसिन जो होती हैं वो सस्ती रहती हैं, क्या कारण है कि जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं वो महंगी रहती हैं, क्या जर्निंग मेडिसिन पेटेंट मेडिसिन से ज़्यादा काम करती है या कम काम करती है, हम कैसे पहचाने कि कौन सी मेडिसिन जर्निंग यानी लोकल है और कौन सी मेडिसिन पेटेंट यानी ओरिजिनल है, तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के आखिरी तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल सके और आप कुछ अच्छा सीख सकें। मैं आपका अपना साथी फिर से आपको कुछ नया बताने के लिए इस वीडियो में हाजिर हूँ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए ताकि संपूर्ण जानकारी अब तक पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें जर्निंग मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन होती क्या है, क्या कारण है कि जो जर्निंग मेडिसिन होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं और क्या कारण है जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं वो महंगी मिलती हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटेंट मेडिसिन और जर्निंग मेडिसिन के बीच के डिफरेंसेस की। तो जो कंपनियां होती हैं वो जब किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का खोज करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया मॉलिक्यूल मार्केट में लेकर आए जो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी की दवा होती है, तो कुछ परमिशन के आधार पर उसे परमिट करा लेती हैं जिसका वो पेटेंट फॉर्म हो जाता है। यानी जब मान लीजिए कि एक पैरासीटामॉल का टेबलेट आपको किसी एक नॉर्मल सी शॉप पे 1 रुपए में मिलेगा, वही पैरासीटामॉल टेबलेट आपको किसी दूसरी मेडिकल शॉप पे 5 रुपए का मिल रहा होगा, या फिर कोई भी एनाल्जेसिक जो आप खा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एक साइक्लोवेरा पैरासीटामॉल का आप टेबलेट ले रहे हैं जो जर्निंग फॉर्म का है, वो आपको किसी मेडिकल शॉप पे 2 रुपए का मिल जाएगा। अगर यही पैरासीटामॉल साइक्लोफेनिक के साथ आप जीरोडॉल पी का खरीद रहे हैं तो आपको करीब 6 से लेकर 7 रुपए का एक टेबलेट पड़ेगा। लेकिन दोनों का काम एक ही होता है तो इसके बीच में जो पैसों का डिफरेंस होता है इतना क्यों होता है? तो बेसिकली जब इस इंग्रेडिएंट की खोज होती है तो जो कंपनियां होती हैं वो उसका पेटेंट कराने के लिए यानी सरकार से कुछ ऐसे परमिशन को ले लेती हैं जिसकी वजह से उसका पेटेंट करा लेती हैं। पेटेंट कराने के बाद जो उसका प्रोडक्शन होता है खुद ही करती हैं, जो उनको बेचने का स्ट्रेटजी होता है जो बनाती हैं खुद से ही बनाती हैं, और उस दवाओं का मूल्य क्या होगा यानी वो दवाएं मार्केट में कितने रुपए की बिकेंगी, ये फिर उन्हीं के अंडर में आ जाता है। ये जो पेटेंट होता है यानी जो उनको अधिकार होता है दवाओं बनाने का, करीब 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें वो दवाओं को खुद से निर्माण करती हैं और खुद से उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर पैसे खर्च करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट पर पैसे खर्च करते हैं यानी उसके प्रचार प्रसार पर पैसे खर्च करती हैं, और उसमें नए नए संशोधन करने के लिए पैसे खर्च करती हैं, और MR के द्वारा यानी मेडिसिन रिप्रेजेंटेटर के द्वारा उसका अलग अलग डॉक्टर तक पहुँचाया जाता है उस मेडिसिन को, जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और उसके बाद वो अपने मन चाहे दाम को यानी मन चाहे रेट को उस दवा पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो दवा होती है जब मेडिकल शॉप पे पहुंचती है तो बहुत महंगी कॉस्ट पर वहां तक पहुंचती है, जिसकी वजह से आप जब दवाएं खरीदने जाते हैं तो वो आपको महंगी लगने लगती हैं। बेसिकली पेटेंट एक ऐसा फॉर्म होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल के अधीन होता है, यानी जो भी व्यक्ति उसका पेटेंट करा रहा है, जो भी कंपनी उसका पेटेंट करा रही है, वो उस दवा का रेट निर्धारण करती है और अपने मन चाहे अनुसार उस दवा को बेचती है, क्योंकि उस दवा को बनाने का किसी और के पास अथॉरिटी नहीं होता है और वो दवा कोई और कंपनी नहीं बना सकती। इसकी वजह से जो दवाएं होती हैं किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी की मिलती हैं, इस वजह से उसका रेट ज़्यादा होता है। जैसे हम कॉमन सी बात कर लेते हैं पैरासीटामॉल की, जो पैरासीटामॉल होता है वो आपको अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जो इसका इंग्रेडिएंट होता है पैरासीटामॉल होता है, जो उसके ब्रांड नेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि अगर आप पैरासीटामॉल किसी अलग नाम से खरीद रहे हैं तो आपको 1-2 रुपए की ही मिल जाएगी। अगर यही पैरासीटामॉल आप कल्पाल या फिर क्रोसिन का खरीद रहे हैं जो कि एक पेटेंट कंपनी है यानी जो उसका ब्रांड बन चुका है, वही पैरासीटामॉल आपको 2 से लेकर 3 रुपए के करीब पड़ेगा। तो जो पेटेंट कंपनियां होती हैं अपने अनुसार उसका दाम जो होता है रेट जो होता है निर्धारण कर लेती हैं, और जो आपको दवाएं होती हैं महंगी लगने लगती हैं। तो ये रही पेटेंट दवाएं क्या होती हैं, जर्निक दवाएं क्या होती हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर ऐसा है तो फिर क्या पेटेंट दवाएं हैं जो ज़्यादा काम करती हैं जर्निक दवाएं से, क्योंकि जो जर्निक दवाएं हैं सस्ती मिल रही हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो काम कम करती होंगी, या पेटेंट दवाएं जो हैं ज़्यादा काम करती हैं। चलिए तो इस टॉपिक पर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेटेंट दवाएं होती हैं वो जर्निक दवाओं से ज़्यादा काम करती हैं, या जर्निक दवाएं जो होती हैं क्या वो पेटेंट से कम काम करती हैं। तो बेसिकली एक मिथ है यानी एक अफवाह फैली है कि जो जर्निक दवाएं होती हैं पेटेंट दवाओं से कम काम करती हैं। बेसिकली जर्निक दवाएं भी वही काम करती हैं जो कि पेटेंट दवाएं करती हैं, लेकिन जर्निक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो आपको कम रेट पर इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि उसकी जो अलग अलग प्रकार की प्रोडक्शन कंपनियाँ बहुतेरे हैं यानी बहुत सारी हैं।
यानी जो एक पैरासीटामॉल का फार्मूला आपको मार्केट में मिलेगा उसकी बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार से उसका उत्पादन करती हैं। जेनेरिक दवाएं सस्ती इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनके प्रचार में उसके एडवर्टीजमेंट में कोई भी पैसे नहीं खर्च होते हैं, कुछ ज़्यादा लागत नहीं आती है, उसको MR के द्वारा किसी भी डॉक्टर को नहीं दी जाती है कि आप इसे ले जाकर किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को दें और उससे ये रिक्वेस्ट करें कि वो उसी दवाएं को लिखे ताकि पेशेंट को दवाएं महंगी पड़ें। ऐसा जेनेरिक दवाओं में कुछ नहीं होता है। तो जेनेरिक दवाएं जो होती हैं सीधा रिटेलर के पास पहुँचती हैं, बाय कंपनी पहुँचती हैं या फिर बाय अंडरकटिंग पहुँचती हैं, जिसके द्वारा जो उसके एडवर्टीजमेंट का चार्ज होता है या फिर जो MR के द्वारा लिया गया चार्ज होता है या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दवाएं सस्ते रेट पे आपको मिल जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या पेटेंट दवाएं जेनेरिक दवाओं से ज़्यादा काम करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पेटेंट दवाएं भी उतना ही काम करती हैं जितना कि जेनेरिक दवाएं काम करती हैं। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जेनेरिक दवाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आपको रिस्पॉन्स दिखाई नहीं पड़ रहा है जो कि पेटेंट दवाओं को करने से दिखाई पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप पेटेंट दवाओं का प्रयोग करें तो आपको वही रिस्पॉन्स दिखाई दे जो जेनेरिक दवाओं के अनुसार दिखाई पड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेटेंट दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखाई पड़ेगा, और अमूमन उसी जगह पे अगर आप जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स दिखाई पड़ जाएगा। बेसिकली इंग्रेडिएंट के काम करने की क्षमता पे निर्भर करता है कि वो कैसा काम करता है, यानी कि उसके API पे निर्भर करता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे निर्भर करता है। जिसका जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जितना अच्छा एक्टिव होगा उतना अच्छा काम करेगी, चाहे वो जेनेरिक दवा हो चाहे वो पेटेंट दवा हो। बात होती है कि प्रोटीन से बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, या आपके फिजिकली कंडीशन पे भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा को फार्मासिस्ट होने के नाते कि कभी भी इमरजेंसी केसेस में पेटेंट दवाओं का ही प्रयोग करें ताकि जो उसके काम करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा सर्सेबल दवा होती है और ज़्यादा बेहतर से उसका प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो उसको काम करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू जेनेरिक दवा। जेनेरिक दवा का प्रयोग आप उस समय पर कर सकते हैं जब आपकी कोई बीमारी हो, लंबे समय तक चलनी हो, यानी जिस भी बीमारी की आप दवा ले रहे हैं वो दवा आपको लंबे समय तक खानी हो। अगर आप उसी दवा का पेटेंट फॉर्म ले रहे हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी HIV से रिलेटेड परेशानी है, फिर कैंसर से रिलेटेड परेशानी है, जिसकी दवाएं करीब 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए के करीब पर मंथ की आती हैं, जो पेटेंट दवाएं होती हैं अगर वही दवाएं आप जेनेरिक फॉर्म के ले लेंगे तो आपको करीब 1,000 से लेकर 1,500 के रुपए के बीच में पड़ जाएगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और आपको वही रिस्पॉन्स दिखाई देगा जो कि पेटेंट दवाओं से दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये रही क्यों आपको जेनेरिक मेडिसिन लेना चाहिए और क्यों पेटेंट मेडिसिन लेना चाहिए, जेनेरिक मेडिसिन पेटेंट मेडिसिन से कम काम करती है या नहीं। आशा करते हैं कि जो भी आपको बताया गया कि जेनेरिक मेडिसिन है वो पेटेंट से कम काम नहीं करती या फिर जेनेरिक मेडिसिन के काम करने की क्षमता पेटेंट मेडिसिन के काम करने की क्षमता से कम नहीं होती आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन आपको कहाँ मिलेगी और पेटेंट मेडिसिन डॉक्टर्स क्यों लिखते हैं। तो हम बात करें कि जो अमूमन डॉक्टर्स होते हैं वो जेनेरिक मेडिसिन ना प्रिस्क्राइब कर पेटेंट मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी आपको जानबूझकर महंगी दवाएं क्यों दी जाती हैं। जब आपकी सभी परेशानियां नॉर्मल से जेनेरिक मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं तो आपको ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं। तो हम बात करें कि जो कंपनियां होती हैं वो MR के थ्रू यानी मेडिसिन रिप्रेजेंटेटर के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या फिर प्रोडक्शन कंपनियों के कास्ट के आधार पर, या फिर जो उन्होंने पेटेंट कराने के लिए पैसे सरकार को दिए हैं इस आधार पर वो उसका पूरा खर्चा जोड़ती हैं, कैलकुलेट करती हैं, उसके बाद MR के थ्रू उस दवाओं को डॉक्टर तक पहुंचाती हैं। इसके बदले में कभी कभी डॉक्टर्स को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए जाते हैं और कभी कभी डॉक्टर को कुछ ऐसे मोटे पैसे भी दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो उन्हीं कंपनियों की दवाओं को लिखते हैं जो कि पेशेंट को महंगी पड़ती हैं। तो जिसके वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं कंपनियों की पेटेंट दवाएं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जो अमूमन महंगी होती है, क्योंकि उनसे जो मोटा पैसा है वो डॉक्टर्स को मिलता है और महंगे महंगे गिफ्ट भी उनको मिलते हैं जो कि उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं और पेशेंट को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लंबी बीमारी है और आप पेटेंट दवाओं को खरीदने में असमर्थ हैं तो आप जेनेरिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली जेनेरिक दवाएं इसीलिए बनाई गई थी ताकि अगर आप अफोर्डेबल ना हो, पेटेंट दवाएं ना खरीद सकें, तो किसी भी पेशेंट की डेथ जो है वो पेटेंट दवाओं को ना खरीदने की वजह से नहीं होनी चाहिए, यानी उन्हें कुछ कम रुपए में भी दवाएं मिल जानी चाहिए जो उनके स्वास्थ्य को ठीक कर दे और वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको जेनेरिक दवाएं कहाँ से मिलेंगी। तो अक्सर आपने भी एक बहुत ही फेमस सेंटर का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र।
बेसिकली आपने भी इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि उसी प्रकार की उसी इंग्रेडिएंट की दवा आपको जन औषधि केंद्र पे सस्ते दामों पे मिल जाती है, यानी बहुत कम रुपए में मिल जाती है। अगर वही दवा आप अगर मेडिकल शॉप से ले रहे हैं तो आपको बहुत महंगे दामों पे दिखाई पड़ती है। बेसिकली इसका यही उद्देश्य होता है कि जो जेनेरिक दवाएं हैं लोगों तक पहुँचाई जाएँ, और जो कम दामों पे दवाएं लोगों को मिलेंगी तो ज़्यादा बेहतर वो काम भी करेंगी, पेटेंट के मुकाबले ही काम करेंगी, और उनके जो जेब खर्चे हैं वो कम होंगे और वो कुछ पैसे सेव कर अपने फ्यूचर के लिए रख सकेंगे और उनको जो बीमारियां हैं वो सप्रेस हो जाएंगी। बेसिकली जन औषधि केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जो सभी तक दवाओं को पहुँचाने का काम करता है कम रुपये में, ताकि जो परेशानियाँ हों कम रुपये में ठीक की जा सके, और आपको जो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम पैसे पेमेंट करने पड़ रहे हैं महंगी दवाओं के लिए कम करना पड़े। बेसिकली एक जन औषधि केंद्र पर करीब 900 प्रकार की दवाएं आपको मिल जाएंगी जो कि कैंसर से लेकर बुखार तक संबंधित हो सकती हैं। चलिए अब हम आखिरी में बात कर लेते हैं, अगर वीडियो में अभी आप बने हुए हैं तो आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आप ये पहचान सकें कि कौन सी दवाएं जेनेरिक हैं और कौन सी दवाएं पेटेंट है। अक्सर ये होता है कि जेनेरिक दवाएं सस्ती तो होती हैं लेकिन जब आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो फिर कोई फार्मासिस्ट या फिर मेडिकल वाला आपको मूर्ख बना देता है, और जेनेरिक दवाएं जो होता है जो 5 रुपये से 7 रुपये के करीब में आ रही हैं, करीब आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में दे देता है, और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी दवाएं जेनेरिक हैं और कौन सी दवाएं पेटेंट हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा भी होता है कि जो पेटेंट कंपनियां हैं अपने वाटर मार्क को बेचकर जेनेरिक में कन्वर्ट हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये पेटेंट कंपनी का मोहर लगा हुआ है लेकिन वो दवाएं जो होती हैं जेनेरिक होती हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग अगर आप करेंगे दवाओं पर देखेंगे तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये दवा पेटेंट है यानी ओरिजिनल दवा है या फिर जेनेरिक दवा यानी लोकल दवा है। तो चलिए मैं आपको उस सिंबल को दिखा देता हूं दवाओं में ताकि आपको सही से कंफर्म हो जाए कि कौन सी दवा पेटेंट होती है कौन सी दवा जेनेरिक होती है। ये हमारे पास दो ऐसे सीरम मौजूद है जिसको मैं आपको कंफर्म कराता हूं कि ये कैसे पेटेंट है और कौन सा इसमें लोकल यानी जेनेरिक है। तो ये जो दोनों सिरप हैं बेसिकली हेमेटिनिक सिरप हैं, यानी दोनों ऐसे सिरप हैं जो आयरन से संबंधित है, यानी अगर आपके शरीर में आयरन की डिफिशेंसी है तो ये दोनों सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चले कि कौन सा इसमें जेनेरिक सिरप और कौन सा इसमें पेटेंट सिरप है? तो आपने ही बड़ा फेमस ब्रांड सुना होगा डेक्सोलेंज, तो आपको ऐसे भी पता लग रहा होगा कि जो डेक्सोलेंज है मार्केट ब्रांड है और वो पेटेंट सिरप है। लेकिन आपके संतुष्टि के लिए और आपको कन्फर्म कराने के लिए कि जो डेक्सोरेंज है वो पेटेंट है और जो दूसरा सिरप हमारे हाथ में इस समय है एराइज कंपनी का वो लोकल है, इसके लिए इसमें एक सिंबल होता है जिसको आप पहचान सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी दवाएं लोकल हैं कौन सी जेनेरिक हैं। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे जब डेक्सोरेंज आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो उसके ऊपर एक यहाँ कॉर्नर में आपको आर लिखा नजर आ रहा होगा। जो ये आर लिखा होता है बेसिकली रजिस्टर को इंडिकेट करता है, यानी ये जो दवाएं हैं वो PCI में यानी फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से जो दवाएं होती हैं वो पेटेंट कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं या ओरिजिनल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। यानी कोई भी दवा अगर आप लें और उस पर ऐसा कुछ सिंबल आर सा नज़र आ रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो दवाएं हैं वो रजिस्टर्ड दवाएं हैं और वो पेटेंट दवाएं हैं। अगर आप इसी जगह पे इस दूसरी दवा को देखेंगे जो एराइज का है जो हमारे हाथ में इस समय उपलब्ध है वो एरिफेर एक्सटी के नाम से है। बेसिकली ये भी वही काम करेगा जो कि डेक्सोरेंज का काम होता है, यानी आयरन की डिफिशेंसी को दूर करेगा। लेकिन जब आप यहाँ एराइज के नाम को देखेंगे तो आपको यहाँ कहीं पर आर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, यानी ये जो दवा है वो रजिस्टर्ड दवा नहीं है, यानी इसके लिए जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं करती है और इसके एडवर्टीजमेंट पे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकती है। यानी जो इस कॉम्बिनेशन का सिरप है फेरस के साथ एस्कॉर्बेट वो कोई भी दूसरी कंपनी बना सकती है, ये कंपनी उसे रोक नहीं सकती है, जिसकी वजह से जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है, और जो डेक्सोरेंज है ये वही कंपनी बना सकती है जो इसका पेटेंट ले चुकी है, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं मन चाहे दाम को इस पर चढ़ा देती हैं, मन चाहे रेट को इस पर चढ़ा देती हैं और अपने मन चाहे दाम के अनुसार इसको मार्केट में बेचती हैं। चलिए हम बात करते हैं दूसरे तरीके की जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी मेडिसिन पेटेंट है जो कि आपको उचित दाम पर मिलती है और कौन सी दवाएँ जेनेरिक हैं जो आपको कम दामों पर मिलनी चाहिए और आपको मेडिकल शॉप वाले फिर डॉक्टर्स जो हैं बेवकूफ़ बना दे रहे हैं और आप जेनेरिक दवाएँ ज़्यादा दामों में खरीद रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर आप देख लीजिए, अगर वो रजिस्टर दवाएं हैं तो उस पर आर लिखा होगा पेटेंट दवाएं हैं। दूसरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है जनरल नॉलेज।
आपको भी दवाओं के कंपनी के बारे में जानना चाहिए, आपको भी दवाओं के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फार्मासिस्ट हों या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े आदमी हो तभी दवाओं के बारे में जाने। आप जनरल अवेयरनेस के लिए भी दवाओं के बारे में जान सकते हैं, और कम से कम ये तो जरूर ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी दवाएं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, यानी जर्नी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, और कौन सी दवाएं जो पेटेंट कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं उनका जो सही रेट है वो आप मेडिकल शॉप वालों को पेमेंट करें। तो बेसिकली दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप जनरल अवेयरनेस रखें दवाओं के बारे में, कि आपको पता चल सके कि कौन सी दवाएं लोकल है कौन सी दवाएं ओरिजिनल है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी दवाएं लोकल है कौन सी दवाएं ओरिजिनल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डॉक्टर, और जेनेरिक दवाओं को कम दाम पे खरीद कर लाते हैं और महंगे से महंगे दामों में बेचते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर दवाएं कम दाम पे मिल रही हैं तो आप थोड़े बहुत पैसे लेकर उन दवाओं को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको उनकी आवश्यकता है, ताकि वो भी उन दवाओं को खा पी सकें और अपने स्वास्थ्य को सही कर सकें जो कि महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते हैं। तो ये रही आज हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जेनेरिक दवाएं होती क्या है, पेटेंट दवाएं होती क्या है, जेनेरिक पेटेंट में अंतर कैसे करें, क्या जेनेरिक दवाएं पेटेंट दवाओं से कम काम करती हैं, जेनेरिक दवाएं पेटेंट दवाओं से अलग क्या होती हैं, जेनेरिक दवाएं सस्ती क्यों होती हैं, पेटेंट दवाएं महंगी क्यों होती हैं। आशा करते हैं कि जो भी टॉपिक्स आपको इस वीडियो में कवर किए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से कन्फर्म कर दे रहा हूँ कि जो वीडियो है ये केवल इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाएं देने के लिए आपको डिलीवर की जा रही है। इसका उद्देश्य किसी भी कंपनी को डिमोनिटाइज करना यानी उसके मार्केट वैल्यू को घटाना या फिर किसी भी कंपनी के मार्केट वैल्यू को बढ़ाना नहीं है। ये एक जनरल अवेयरनेस की वीडियो है जो आप तक पहुंचाई गई है। आशा करते हैं कि जो भी इस वीडियो में बताया गया आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो बताया गया तरीका का प्रयोग करते रहें, दवाओं का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।